हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा? HCF एंड LCM और डेसिमल्स नंबर्स, मीन्स ऐसे नंबर्स का HCF एंड LCM निकालना जो डेसिमल में गिवन हो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको करना बहुत ही आसान होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके ट्रिक्स क्लियर हो जाएं और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकें। देखते हैं, यहाँ पास हमारा कुछ डेसिमल नंबर्स गिवन है। नंबर्स हमारे 0.2, 0.6 एंड 0.12। हमसे पूछ रहा है कि ऐसे नंबर्स का HCF और LCM डिटरमाइन करना है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी नंबर्स हमारे गिवन हैं उनमें पॉइंट के बाद सबसे हाईएस्ट डिजिट कितनी है, मीन सबसे ज़्यादा डिजिट किस में दी हुई है, कितनी डिजिट दी हुई हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट दी हुई है, यहाँ पॉइंट के बाद एक दी हुई है, यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट दी हुई है, मीन्स मैक्सिमम क्या है पॉइंट के बाद टू डिजिट। तो अब हम क्या करेंगे, सबको टू डिजिट का बना लेंगे, मीन्स पॉइंट के बाद टू डिजिट बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे? 0.2 के हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.20, 0.6 को हम लिख सकते हैं 0.60 एंड 0.12 को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि उसके पास है ही ऑलरेडी पॉइंट के बाद टू पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके LCM और HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम नंबर्स ले लेंगे, प्रॉपर ले लेंगे, प्रॉपर नंबर ले लेंगे 20, 60 एंड 12। अब हम इनके पहले LCM निकालेंगे एंड HCF निकालेंगे। तो हमें पता है कि इस तरह से, इस विधि के द्वारा हम LCF और HCF दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 एक ऐसा नंबर है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम 4 से हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एक मतलब 15 चौको 60 होता है 15 टाइम्स और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। अब आप लोग देखिए, ये डिटरमाइन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ऐसा कोई नंबर्स है कि एक के अलावा ऐसा कोई नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबर्स में भाग दे सकें, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकें। तो हमें पता है कि ऐसा कोई भी नंबर्स अब नहीं है जिससे हम तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकें। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमारा 4 हो जाएगा। अब LCM की बात करते हैं, LCM डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, इनको हम कट करते जाते हैं तब तक, डिवाइड करते जाते हैं तब तक जब तक 1 नहीं डिटरमाइन हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, ये 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 1। अब 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 1 एंड 1। तो हमारा जो LCM आया वो कितना आ जाएगा, LCM हमारा आ जाएगा 4 × 3 × 5, तो 4 × 3 = 12 होता है, 12 × 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। अब यहाँ देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने थे, 2 डिजिट थे, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 0.60, ये हमारा LCM हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास एक ही डिजिट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.04, इसको हम लिख सकते हैं 0.04, जो ये हमारा हो जाएगा HCF ऑफ दिस नंबर एंड ये हो जाएगा LCM ऑफ दिस नंबर। तो इस तरह हम डेसिमल्स नंबर के LCM और HCF को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट कितने हैं। तो यहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम डिजिट कितने हैं, 3, तो सबको हम 3 डिजिट वाला बना लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.300, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.080, इसे क्या लिख सकते हैं, वो 3 डिजिट है ही, तो उसको हम वैसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबको प्रॉपर नंबर में लिख लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300, इसको हम लिख लेंगे 80, इसको लिख लेंगे 40, डिवाइड करेंगे, हमें पता है 10 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 30 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ये हमारा 4 टाइम्स जाएगा। अब देखिए कि अब कोई नंबर है जिससे तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है कि 2 एक ऐसा नंबर है जिससे हम तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जिससे हम तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकें। तो ये जो हो जाएगा 10 × 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, 20, ये हमारा हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM निकालते हैं, LCM के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 ही रहेगा, ये हमारा 2 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे और देन 15 से करेंगे,
तो लास्ट में हमारा 1 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10 × 2 × 2 × 2 × 15, मीन्स 10 × 20 × 40, 40 × 80 और 80 × 15, तो 15 × 8 कितना, 8 × 5 = 0 = 4 एंड 8 × 8 = 12, 15 × 8 = 120, 1200 हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1200 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमें पॉइंट में निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट थे, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, तो क्या हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 1.2। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ से 2 डिजिट है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.020, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस नंबर्स का, और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन डेसिमल नंबर्स का। तो इस तरह हम डेसिमल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, गिवन हमारा 0.125, 0.20, 0.20 एंड 0.36, पूछा है एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डिजिट पॉइंट के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 3 मैक्सिमम डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको 3 डिजिट का बना लेंगे पॉइंट के बाद। तो इसको हम लिख देंगे एज इट इज़, क्योंकि इसमें है ही, इसको भी हम वैसे ही लिख देंगे 0.020, इसे क्या लिख देंगे 0.360। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो ऐड कर दें उसमें हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स कोई भी पॉइंट के बाद कितने भी जीरो आप बढ़ा दीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इन नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्रॉपर नंबर लिख लेंगे, तो इन्हें हम लिख लेंगे 125, इसे लिख लेंगे 125, इसे लिख लेंगे हम 20 और इसे लिख लेंगे हम 360। क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि 5 से हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 15, 5 × 5 = 2, 15 × 5 = 125, 5 × 5 = 20 और ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 10। उसके बाद देखिए, कोई भी ऐसा नंबर है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 5। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो जाएगा नहीं, ये जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 4, 8 = 32, 32 भी 8 × 72 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे एंड 15 से देन डिवाइड करेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 × 20, 20 × 8 कितना होता है, 20 × 8 = 160 × 15, तो 15 × 9 = 15, 15 × 9 = 15 और ये हो जाए 9 × 5 = 14, 2400 हो जाएगा। अब हमें पता था कि क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.005। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।